साथियों 2014 में लोगों ने एनडीए के प्रति विश्वास और यूपीए के प्रति नाराजगी दिखाई थी, ये नाराजगी अब भी बनी हुई है। हां 2014 की आशाएं अब एक विश्वास में बदल गई है कि एनडीए ही भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम है। 130 करोड़ भारतीयों ने एनडीए की नई कार्य संस्कृति को देखा है। लोगों को लगता है कि पहले जो नामुमकिन समझा जाता था वो अब मुमकिन है। देश को विश्वास हो रहा है कि हिंसा और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना संभव है। देश को लगने लगा है कि गरीबी के खिलाफ युद्ध जीता जा सकता है, क्योंकि पिछले 5 वर्ष में गरीबी तेजी से घटी है। देश को विश्वास हो रहा है कि भारत में भी स्वच्छता संभव है। देश को भरोसा मिला है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी लड़ाई जीती जा सकती है। देश को विश्वास हुआ है कि देश को लूटने वालों, चाहे देश में हो या विदेश में, वो कहीं बच नहीं पाएंगे। साथियों एक तरफ आशा आकांक्षा और विश्वास है तो दूसरी तरफ विपक्ष के पास जिस तरह की नकारात्मकता और अविश्वास है उसको भी देश भलीभांति समझ रहा है। सच्चाई ये है कि जिनको दशकों तक सत्ता में रहने का अवसर मिला वो विपक्ष के नाते भी पूरी तरह गैर जिम्मेवार पूर्व सिद्ध हुए हैं, विफल हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं वो अपने भी देखे और सुने हैं। लोगों में गुस्सा है कि जिस बात पर देश को गर्व होता है उस पर विपक्ष को तकलीफ क्यों होती है। लोगों में गुस्सा है कि सपूतों के शौर्य का सबूत क्यों मांगा जा रहा है। लोगों में गुस्सा है कि हिंदुस्तान के हित के बजाय पाकिस्तान के पक्ष की बातें विपक्ष क्यों करता है। जमीन से कटे हुए लोग इस गुस्से को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वो नकारात्मकता फैलाने में, झूठ बोलने में लगे हैं।